2024 में करनाल लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को मोदी कैबिनेट में 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले के महम तहसील के निदाना गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरबंस लाल और माँ का नाम शांति देवी है। मनोहर लाल खट्टर के 3 भाई हैं जिनके नाम जगदीश, गुलशन और चरणजीत हैं। मनोहर लाल खट्टर के पिता विभाजन के बाद 1947 में पश्चिम पंजाब के झांग जिले से आकर रोहतक में बस गए थे। झांग जिला अब पाकिस्तान में है। उन्होंने रोहतक से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। बाद में मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। इस दौरान वे आरएसएस से जुड़ गए। वे संघ के नियम का कड़ाई से पालन करते और अपने जीवन को देश के लिए लगाना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने विवाह भी नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1977 में जब वे केवल 24 साल के थे तभी आरएसएस से जुड़ गए। संघ के प्रचारक के तौर पर वे 14 साल तक काम करते रहे। वे साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन दिनों खट्टर को हरियाणा का महासचिव बनाया गया था। साल 2014 तक वे हरियाणा के बीजेपी प्रदेश महासचिव बने रहे। मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनके संघर्ष भरे दिन काम आए, क्योंकि उन्हीं दिनों उनकी जान पहचान नरेंद्र मोदी से हो गई थी। दोनों का कार्य क्षेत्र हरियाणा ही था। यही वजह है कि 2014 में उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय होने के बाद राज्य का मुखिया बना दिया गया। उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है, लेकिन खट्टर ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने गैर जाट रहते हुए भी राज्य में लोकप्रियता पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने में विफल हो गई, जिसके चलते उन्हें दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी से समर्थन लेना पड़ा। इस समर्थन के बाद 27 अक्टूबर को खट्टर ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने करनाल सीट से जीत दर्ज की है। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।